लालू, जैसे भी हो मैं तो सोने का हार लेकर ही रहूंगी। घर में खाने को राशन नहीं है और तुम चली सोने का हार लेने, मैं कहाँ से लेकर दूँ तुझे सोने का हार। जो भी हो, हार तो अब मैं लूंगी ही। कालू कव्वा और गोरी कव्वी रात को घर में सोए हुए थे कि गोरी कव्वी चुपके से उठती है और घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंख खुलती है तो गोरी को ना देखकर कालू कव्वा भी अपने घर से निकलता है और चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। चिड़िया। कव्वे भैया, क्या हुआ है? क्यों इतनी रात को शोर मचा रहे हो? चिड़िया, वो गोरी कई दिनों से मुझसे सोने का हार मांग रही थी, मैं कहाँ से लेकर देता? वो घर में नहीं है, लगता है किसी के घर में चोरी करने चली गई है। गोरी कव्वी अनजाने में उल्लू के घर में घुस जाती है। वो अलमारी खोलकर उल्लू की पत्नी का सोने का हार निकाल ही रही थी कि उल्लू जाग जाते हैं। पकड़ो चोर, चोर पकड़ो चोर। उल्लू गोरी को पकड़ लेते हैं और गोरी की खूब पिटाई करते हैं। कव्वे भैया, ये शोर कैसा है? चलो तो जाकर देखते हैं। छोड़ दो गोरी को, छोड़ दो। बहुत मुश्किल से कव्वा और चिड़िया गोरी कव्वी को उल्लुओं से बचाते हैं। बहुत मारा कमबख्त उल्लुओं ने, बहुत मारा मुझे। पति जी, यहाँ यहाँ मारा। गोरी, अब घर जाओ, सुबह बात करेंगे। गोरी कव्वी कालू के साथ अपने घर चली जाती है। सारी रात गोरी कव्वी जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है। किसने कहा था कि चोरी करने जाओ? अगर मैं और चिड़िया ना आते तो वो उल्लू मार मार कर तुझे जान से ही मार देते, फिर ले लेती तू सोने का हार। कालू जी, मेरी बचपन की इच्छा है। सोचा था कि शादी के बाद मेरा पति मुझे सोने का हार लेकर देगा, लेकिन मेरा पति भी नखट्टू ही निकला। गौरी कव्वी जब नदी पर जाती है तो वहाँ चिड़िया आ जाती है। गौरी, चोरियाँ करने से कभी कोई कामयाब नहीं बन जाता। अगर तुझे सोने का हार ही लेना है तो मेहनत करो और अपनी मेहनत से कमा कर लो सोने का हार। चिड़िया, मुझे कोई काम धंधा तो आता नहीं है, मैं क्या करूं? गौरी, इस जंगल में कोई भी मैगी का स्टॉल नहीं है, तुम जंगल में मैगी का स्टॉल लगा लो, फिर देखना चंद दिनों में ही तुम अपना सोने का हार ले सकोगी। चिड़िया सच, अगर मैं मेहनत से काम करूं तो कामयाब हो जाऊंगी। मेहनत कामयाबी की कुंजी है। फिर उस दिन गौरी घर जाती है। वो अपनी रसोई से कुछ चीजें लेती है और अपने घर के बाहर रेहड़ी लगा लेती है। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कबूतर चाचा की दुकान से मैगी ले देती हूँ, बेचकर बाद में कबूतर चाचा को पैसे दे देना। चिड़िया गोरी कव्वी को लेकर कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, गोरी मेहनत से काम करना चाहती है, हमें इसकी मदद करना होगी। मेहनत, और वो भी गोरी कव्वी? बताओ चिड़िया, मैं क्या कर सकता हूँ? बस इतना कि गोरी को कुछ पैकेट मैगी के दे दो, गोरी बाद में आपको पैसे दे जाएगी। मैं वादा करती हूँ कबूतर चाचा, मैं पैसे लुटा दूंगी। कबूतर मान जाता है और गोरी को मैगी उधार दे देता है। गोरी अपना काम शुरू करती है। मैगी मैगी, मसाले वाली स्वादिष्ट मैगी, मैगी मैगी। शाम तक गोरी की मैगी की एक प्लेट भी नहीं बिकती। गोरी घबरा जाती है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, सारा दिन बैठकर काएं काएं करती रही हूँ, लेकिन एक प्लेट भी मैगी की नहीं बिकी। गोरी, घबराने की कोई बात नहीं है, काम चलने में थोड़ी देर तो लगती ही है, जो मैगी बची है वो गरीबों में बांट दो। गोरी कव्वी चिड़िया की बात मानकर बची हुई सारी मैगी गरीब पक्षियों में बांट देती है और दूसरे दिन फिर से मैगी का स्टॉल लगाती है। सबसे पहले तोता आता है। मैगी, मैं तो मैगी खाऊंगा। तोता गोरी से एक प्लेट मैगी खाता है। ये मैगी तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है ये मैगी। तोते मेरे भाई, पूरे जंगल में सबको बता दो कि मेरी मैगी कितनी स्वादिष्ट है। तोता पूरे जंगल में घूम जाता है। गोरी की मैगी खाकर देखो, गोरी की मैगी बहुत स्वादिष्ट है। गोरी पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है और गोरी के स्टॉल पर भीड़ लग जाती है और कुछ ही दिनों में गोरी कव्वी को ढेर सारा मुनाफा हो जाता है। गोरी कबूतर चाचा के पैसे भी लुटा देती है। गोरी, मैंने कहा था ना कि मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। चिड़िया, तुमने सच ही कहा था, आज शाम तुम मेरे साथ जाना, मुझे कोई काम है। फिर गोरी कव्वी गरीब चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था।
पड़ोस में रहने वाली गोरी कव्वी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू देखो तो, वो कुम्हारन चिड़िया नित नए नए फल लाती है घर में और अच्छा खाती है। कालू किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गोरी 3 दिन बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटका बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कव्वी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया हमें 100 मटकों की जरूरत है, क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गोरी बहन ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, मैं दिन रात एक करके 100 मटका जरूर बनाऊंगी। चिड़िया मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कव्वी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मट्टी लेने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगी, मैं भी आपके साथ मट्टी लेने जाऊँगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मट्टी ले आती हूँ, आप जो मट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी देर रात काम करती हैं। मम्मा रात हो गई है, आप थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं, मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू देखो तो, वो चिड़िया रात गए तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी जाओ और गौरी आंटी को बुला लाओ, उसे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाएं, मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गुड़िया अपनी माँ से जाकर कहो अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। आंटी मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को, अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से, जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो, अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था, मम्मा चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा गौरी आंटी और कारू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो, वो मटके नहीं खरीदेंगे, उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया, मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। मामा चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक हवाई मोटर चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है जिसमें एक हरा मिठू तोता था। चिड़िया मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ, मुझे 100 मटकों की जरूरत है, सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनना था कि गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे है? मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी, मैं अभी अपनी गाड़ी भेजता हूँ, आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ जाती है और चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लोड करवा देती है। और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। कालू इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता, हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गोरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान।